तो भाई जो आज का मैच होने वाला है वो है भाई 10 UC वाला मैच। देख सकते हो भाई लगा हुआ यहाँ पे, अब थोड़े सेकंड में मिनट में हो चुका है स्टार्ट। और भाई शेल्टर में एक बंदा आया था, मेरे को लगा सामने से आएगा क्योंकि भाई मैंने देखा था सामने। तो मैं मतलब उधर देख रहा था क्योंकि भाई वो बंदा उधर उतरा था। अब ये भी हो सकता है कि भाई दो दो बंदे आए हों, जो राइट में आया था जिसको मैंने अभी भी मारा उसको मैंने देखा नहीं होगा, तो उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। बट भाई थोड़े देर के बाद नहीं आता, लेकिन मैं जोन देखता हूँ यहाँ पे। भाई जोन मेरे को भाई बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इस जोन के अंदर अपन करेंगे ब्रिज कैंप। तो फटाक से भाई झटके में पहुँच जाता हूँ मैं ब्रिज के ऊपर। और भाई मेरा वैसे लूट देख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ ज़्यादा लूट के नहीं आया था मैं यहाँ पे। फर्स्ट एड एक भी नहीं है, वैसे पूरा आधा शेल्टर लूट लिया था मैंने बट फर्स्ट एड नहीं मिला था वहाँ पे। और भाई एक आध दो जोन, मतलब पहला जोन निकल चुका है, दूसरा जोन बना है। तो इस जोन को देख के लग रहा है कि भाई अब तो मिलिट्री बेस में ही बनने का है जोन, तो पर काफ़ी बंदे आएंगे। और भाई पहला शिकार यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे। और भाई सिर्फ 30 गोली होते हैं M4 में यहाँ पे, क्योंकि भाई एक्सटेंडेड नहीं है। और भाई बिल्कुल ही हरामी बच्चों की तरह गाड़ी छिपा दो, क्योंकि भाई और भी बंदे इस गाड़ी को देख के ये ना लगेगी उसको भाई ब्रिज कैंप हो रहा है। ठीक है, आराम से आए, बिल्कुल आराम से बिना कोई दिक्कत के। और भाई थोड़ी ही देर के बाद बंदे ब्रिज, मतलब ब्रिज से नहीं, कुछ बंदे भाई पानी से भी आते हैं यहाँ पे। तो जिसको जो मिलता है वो आ जाता है पकड़ के, लेकिन इसको आप बोट फोड़ के, इस बंदे को भी मैंने फोड़ दिया है। और ये देखो भाई थोड़े बहुत नशे करके चलाते हैं बंदे। और उसको थोड़ा सा टैग भी दे दिया मैंने, मेरे को लगा ये बंदा मतलब अब जोन में जाने के लिए भाई पानी से जाएगा, बट नहीं भाई ये बंदा खतरनाक वापस आता है। थोड़ा सा गोली वोली एक्सचेंज करता है यहाँ पे, थोड़ा सा भाई मेरे को डैमेज देता है यहाँ पे। और फिर गायब हो जाता है, मेरे को लगा भाई पानी के अंदर तो घुस के जोन की तरफ जाएगा, बट नहीं। आगे देखो भाई ये बंदा करता क्या है, मैं देख रहा हूँ कि भाई कहीं ब्रिज के ऊपर चढ़ के भाई मेरे से फाइट लेने के तो नहीं आ रहा है। और थोड़ा पीछे भी देख लेता हूँ एच पे, क्योंकि भाई काफ़ी बंदे पानी से भी हो गए जा सकते हैं, क्या पता बिल्कुल किनारे पर। और ये देखो भाई बिल्कुल बिंदु सा दिखता है इसका एक टकला, और भाई बिल्कुल भी बंदे ने हील नहीं करी थी, एक आध दो गोली में बंदे को कर दिया ढेर। और ये है कुछ ऐसा जोन, अब तो भाई ख़तरनाक जोन, अब तो मतलब कंफर्म है कि उधर ही बनेगा। तो थोड़ा और वेट करता हूँ, एक और शिकार आ चुका है यहाँ पे, और इसको भी गिरा दिया। ये भी बंदा थोड़ा सा लो था, और भाई मेरा बिल्कुल हेडशॉट ने काम कम तमाम कर दिया इस बंदे का। और भाई ब्रिज के ऊपर अपन को मिल चुके हैं 5 किल। तो भाई ब्रिज कैंप का जोन कैसा होता है भाई, बिल्कुल परफेक्ट प्रिडिक्शन अपना यहाँ पे कि भाई काफ़ी बंदे ब्रिज से आएंगे और ऐसे करके किल मिलते रहेंगे। तो भाई 6 किल हो चुके हैं और मेरे को लग गए यहाँ पे पता कि भाई अब काफ़ी टाइम हो चुका है, बट नहीं अभी रुको थोड़ी और देर, और कुछ बंदे आएंगे। और भाई मैं अपना UMP फेंक देता हूँ, क्योंकि भाई इतने हाई पिंग में भाई SMG बिल्कुल भी चलता नहीं है यहाँ पे, और SMG बिल्कुल क्लोज रेंज के लिए, अपन को क्लोज रेंज के लिए बिल्कुल ख़तरनाक गन। तो यहाँ पर M4 था, दोनों M4 उठाने की कोशिश करता हूँ, बट भाई पता नहीं कौन सा बटन दब गया यहाँ पे भाई दूसरा M4 उठाने के चक्कर में। तब तक एक और गाड़ी आ जाता है, ठीक है, और बिल्कुल फुल टिक टैक हेडशॉट दे दिया है बंदे को, और पूरे भाई 300 मीटर का बिल्कुल किल था ये भाई। 7 किल हो चुके हैं बिल्कुल इस ब्रिज कैंप पे। तो कह सकते कि भाई बिल्कुल सक्सेसफुल रहा अपना ब्रिज कैंप, खतरनाक बोले तो। अभी भी भाई काफ़ी बंदे अलाइव हैं, ये जोन टच होने के बाद डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ना है, अगर आप फुल बूस्ट रहोगे तो आराम से आप जोन में जा सकते हो। तो इस बंदे को भी लूट लिया था मैंने, और आराम से चलते हैं अभी जोन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मतलब एक्स्ट्रा फर्स्ट एड उठाना भूल गया था मैं, बस सिर्फ 3 ही उठाया है, जो कि बेला सिस्टम में लगा हुआ है इतना ही फर्स्ट एड उठाने का। तो आराम से मैं जोन देख के जाता हूँ बिल्कुल सेफ, अभी किल के चक्कर में नहीं पड़ने का है, काफ़ी किल हो चुके हैं, अपन को भाई पोजिशन के लिए खेलने का है अभी, ठीक है। तो बिल्कुल सेफ रोटेशन देंगे, और धीरे धीरे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आराम से मैं जोन में पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और तभी मेरे को लगता है एक झटका, इतने अच्छे मैच जाने के बाद ये होता है भाई मेरे साथ यहाँ पे। ये भाई कोई सस्ता
वीपीएन यूज़ करने पे ये आ जाता है कभी कभार। अब मेरे को लगा भाई रिस्टार्ट करूँगा, रिस्टार्ट करते करते तब तक भाई पता नहीं जोन के बाहर भी मर सकता हूँ या फिर कोई बंदा भी मेरे को मार सकता है, बट लकीली मैंने रिस्टार्ट नहीं दबाया था यहाँ पे गेम को, तभी दिखता है कि अभी भी जोन के बाहर हूँ, बट काफ़ी मेरे पे बूस्टेड है और अभी भी जोन बंद होने में बाकी है टाइम, तो तब तक भाई मैं क्रॉस कर लेता हूँ ठीक है। अगर ये जोन टच हो जाता भाई तब तक भाई निपट जाता मैं जोन के बाहर ही इस वीपीएन के कारण। तो एक गाड़ी दिखता है, मैं इस पर प्रोन का स्प्रे देता हूँ। और भाई इस लॉबी में काफ़ी इंडियन बंदे आए थे यहाँ पे, क्योंकि सारे इंडियन मतलब 10 यूसी वाला ही खेलता है क्योंकि उसके भाई हाई पिंग्स होते हैं। तो मैंने कुछ मतलब कम से कम 5 या 6 बंदे देखेंगे जो इंडियन था यहाँ पे, एक मैं भी हूँ भाई यहाँ पे, तो मेरे को भी काउंट कर लेंगा। 8 देख सकते हो यहाँ पे 8 किल हो चुके हैं, 8 बंदे अलाइव है अभी यहाँ पे। भाई मैं पूरा जोन घूम लेता हूँ, सारों बंदों का पोजीशन देख लेता हूँ यहाँ पे, एक BRDM है यहाँ पे, नीचे कंपाउंड में भी एक गाड़ी लगा हुआ है एक शेक के पास है, इस शेक के अंदर मेरे को लगा ठीक है। अब वो बंदा शेक के बाहर आया, यहाँ पे मेरे को दिखता है ये सांप बना हुआ है, तो इसको भाई बिना झिझके, और ये भी भाई यूट्यूबर यूट्यूब जोजो अलविदा मेरे दोस्त, करते हैं भाई इसको भी मार दिया। 5 बंदे अभी भी बचे हैं ठीक है, तो मैं यहाँ सोचता हूँ एक बूस्ट मार लेता हूँ यहाँ पर, थोड़ा बूस्ट रहेंगे एंड सर्कल में तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर भाई इस शेक वाले बंदे को मार दिया तो आजू बाजू बिल्कुल क्लियर रहेगा ठीक है। तो इस पत्थर के पास रहता हूँ, बट हल्का सा वही पत्थर जोन के बाहर है। तभी एक बग्गी आता मेरे पास, मेरे को लगा इजी पीजी किल है यहाँ पे। अब भाई मैं दिखा नहीं सकता मैं मरा कैसे, मैं इसका आपको डेथ रिप्ले दिखाता हूँ ठीक है। मैं राइट में थका दिख रहा हूँ आपको, इसका मैंने टायर फोड़ दिया ठीक है, और बंदे का एम भाई कतई खतरनाक, टन टनाटन भाई मतलब जिगल देते देते भाई मार दिया बंदे ने। मैंने भी भाई काफ़ी डैमेज दिया बट बंदा नहीं मारा भाई, हग दिया मैंने एक तरह से स्प्रे के अंदर, चलती गाड़ी सुताने का था बंदे को भाई। कोई नहीं भाई, 5th पोजिशन पर आता हूँ 9 किल के साथ। अगर भाई इस 10 यूसी में एंड तक रहता ना मज़ेदार बिल्कुल ख़तरनाक किल होते हैं, कम से कम 11 से 12 किल चिकन डिनर के साथ। तो भाई कितने यूसी मिलेंगे वो भी देख लिया भाई, 10 यूसी वाला थोड़ा इजी रहता है, इसलिए आराम से खेलता हूँ खुल के मार मार के बंदे को। वैसे भी ब्रिज कैंप में कहीं काफ़ी किल हो गए थे क्योंकि भाई डिसीजन अपना अच्छा था। लाइक कर देना यहाँ पे, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब।